हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूं ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं जगम्मनपुर के किले में। दोस्तों, जगम्मनपुर किले का निर्माण राजा जगम्मन शाह ने कराया था और जगम्मनपुर गाँव को बसाया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इस किले का नाम जगम्मनपुर का किला पड़ा। दोस्तों, इस समय तो इस किले में कोई भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है जो कि किले के बाहरी भाग में संचालित है। किले के आंगन में एक अष्टधातु की बड़ी सी तोप रखी है। किले में मुख्यतः 3 दरवाजे हैं। सभी दरवाजों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सभी दरवाजों में लोहे की बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं, जिससे कि कभी भी कोई दूसरा राजा आक्रमण करें तो उनका हाथी इन दरवाजों को तोड़ ना पाए, इसलिए ये कीलें लगवाई गई हैं। देखिए दोस्तों, इस समय हम लोग प्रथम दरवाजे को पार करके इस किले के आंगन में आ चुके हैं। तो ये भी आप जो देख रहे हैं, ये दूसरा दरवाजा है। इसको जब हम इसके अंदर जाएंगे तो तब हम किले में प्रवेश करेंगे। ये है किले के बाहर का नज़ारा। दोस्तों, यह किला मुख्य रूप से सेंगर राजपूतों का किला है। दोस्तों, जिला जालौन में सेंगरों का राजवंश प्रारंभ में कनार नामक स्थान में था। ऐसा माना जाता है कि कनार गांव राजा कर्ण सिंह सेंगर ने बसाया था। कन्नौज के राजा जयचंद्र ने अपनी कन्या का विवाह सेंगर प्रमुख विशक देव से करके कनार के पास एक बड़ी सी जागीर प्रदान की थी। 1563 ईस्वी में राजा जगम्मन शाह ने कनार से कुछ दूर अपने नाम पर जगम्मनपुर गांव बसाकर एक किले का निर्माण कराया। दोस्तों, बताया जाता है कि 1603 ईस्वी में जब किले का निर्माण कार्य चल रहा था, उस समय यहाँ के राजा जगम्मन शाह के पुत्र उदय शाह किले का निर्माण करा रहे थे। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पधारे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी इस किले से लगभग 4 किलोमीटर दूर पंचनद धाम में बाबा मुकुंदवन जी महाराज के आश्रम में पधारे थे। राजा उद्यत शाह के आग्रह पर उन्होंने राजा का आतिथ्य स्वीकार किया था और इस किले की देहरी रोपण का कार्य उन्होंने स्वयं किया था, जो कि आज भी इस किले के प्रमुख द्वार पर लगाई गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस किले से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पंचनद धाम, बाबा कालेश्वर जी का मंदिर और बाबा मुकुंदवन महाराज जी का आश्रम है। इन सभी तीर्थों के वीडियो हमारे YouTube चैनल में हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस किले में कई सुरंगें आज भी मौजूद हैं। इनमें से एक सुरंग यमुना नदी के तट तक जाती है। इस सुरंग के रास्ते से ही यहाँ की रानियाँ यमुना स्नान के लिए जाया करती थी। दोस्तों, यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ के राजा ही नहीं, रानियाँ भी काफ़ी वीर और पराक्रमी हुआ करती थीं। यहाँ की महारानी ने एक बार अपने किले की छत से यमुना नदी में तैर रहे मगर का शिकार किया था। उस मगर को बाद में मसाला भरा करके किले के द्वार में लगवाया गया था, लेकिन इस बात की मुझे हकीकत नहीं पता, ये सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी है। दोस्तों, इस किले से पूरा जगम्मनपुर गांव दिखता है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, इस किले के चारों तरफ काफ़ी गहरी खाई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहरों की वीडियो लेकर के आते रहें।